For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. एक बार फिर लेकर आ गए हैं सलमान खान से जुड़ी एक ऐसी खबर जिसे सुनने के बाद आपको भी हैरानी होगी। जी हां, दो दिन जोधपुर जेल में रहने के बाद आखिरकार सलमान को जमानत मिल ही गई और वो रिहा होकर अपने घर बॉम्बे पहुंच गए हैं। वहीं सलमान की रिहाई से उनके चाहने वाले ने राहत की सांस ली। आपको बता दें, गुरुवार को जब सलमान को काला हिरन शिकार मामले में दोषी करार दिया गया था और उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई थी, तो बॉलीवुड इंडस्ट्री समेत उनके कई फैंस में निराशा की लहर छा गई। वहीं आपको बता दें, सलमान को चाहने वाले हर आदमी उनके बैल मिल जाने की दुआ कर रहे थे ताकि वो रिहा हो जाए। आपको बता दें, दुआ के इस दौर में सलमान की रिहाई अपना काम कर दिखाया और सलमान को जमानत मिल गई। इसी के साथ जब से सलमान खान पर जमानत का फैसला आया है तब से सलमान खान काफी खुश नजर आ रहे हैं। अब आपको बता दें, कुछ खबरों की माने तो बताया जा रहा है कि सैफ अली खान ने भी उनके लिए दुआ किया था ताकि वो जल्द से जल्द रिहा हो जाए। लेकिन वहीं सैफ और सलमान को लेकर खूब सारी नई अफवाहें आ रही हैं। तो अब एक और अफवाह ये आई है कि सलमान खान को जमानत होने के बाद सलमान खान ने सैफ को बुरा भला कहा है। लेकिन आपको बता दें, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि सैफ ने भी सलमान खान को जमानत पर बधाई दी है। बॉलीवुड की इसी न्यूज के हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टॉप न्यूज। टॉप न्यूज से आसिफ रहमान की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज़।